शांति शांति। इतना सुंदर सुंदर भजन गा रही थी, अगर इसी तरह सुबह भगवान की पूजन अर्चन करते हुए स्वाहा शब्द का उपयोग कर ले तो कितना मजा आता। अभी थोड़ी सी है और अगर ये इकट्ठी हो गई तो कितनी सुंदर आवाज देंगे। तो इसी तरह सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से हम सभी भगवान की भक्ति करेंगे। जिन जिन को भी भजन गाना हो वो अपना बता दे। सबसे पहले गुरुदेव गाएंगे पहला भजन, उसके बाद सभी को गाएंगे। सागर जी महाराज की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। देखो भाई मेरे पास मेरा तो हार्ट बीट है। रंजू जी पंकज भैया घर वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमसे लागी लगन मेरो अपनी शरण आ सो प्यारा, नहीं तो मैं तो भी संकट जी।
जय मिले चिंतामणि पास नाथ भगवान की। पारस प्यारा
उपाध्याय श्री गुप्त सागर जी महाराज की। Oh.
कहानी है, ये तो सात माह की कहानी है। चौमासा भी तुमने पाया है, चौमासा भी तुमने पाया है। पारस को भी बिठाया और गुप्ती सागर चरणों में आ, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। जोर से बोलो जय बाबा की, आगे बोलो जय बाबा की, पीछे बोलो जय बाबा की, महिलाएं बोले जय बाबा की, पुरुष वर्ग बोले जय बाबा की, ऊपर बोलो नीचे बोलो, चलो बुलावा आया है। साक्षात विराजमान पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, दोनों हाथ खोल के जय करा गुरुदेव का। हम मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, दोनों हाथ खोल के, अरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा तेरा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा उपकार होगा। पार्श प्रभु के चरणों में पार्श प्रभु के चरणों में कर रही गुणगान, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए एहसान होगा तेरा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा। दोनों भाव से तालियां, शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने अपने गले लगाते हो। गुरुदेव तालियों में कंजूसी नहीं, ठीक ठीक ठीक। तूने इतना दिया गुरुराज तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने इतना दिया गुरुराज तूने इतना दिया गुरुराज तेरा बहुत बड़ा, भवारो भवारो तूने इतना दिया गुरुराज तेरा बहुत बड़ा, तालियां। गुरुवर मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हम सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। प्रभु अरे पार्श्वनाथ को चाहा था, कितना पुण्य है आपका, पुण्य बड़ा गाढ़ा है, दोनों हाथ खोल के, अरे गुरुवर हमको दीजिए। चाहे दुख में, दुख में हो या दुख में, बस होती रहे वो लगा गुरुवर हम, दोनों हाथ
कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा, हाँ कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है, हाँ कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, तो बोलो ना कभी तो ये बाबा, कभी तो ये बाबा, क्या बात है, ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर लगी पर चोट नहीं आई, बाबा ने संभाला था, पर चोट नहीं आई, बाबा ने संभाला, अरे कभी तो ये बाबा जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास उदास होता है, और मेरा घुटने सागर में बड़ा उपकारी है कि जग हितकारी है, मेरा एक साथी है कि भोला भाला है, मेरा एक साथी है, अरे जब जब दिल ये उदास होता है, जब हे मेरा गुप्ती सागर मेरे पास होता है, हाँ मेरे गुप्ती सागर मेरे साथ होता है, बड़ा उपकारी है कि तारणहारी है, बड़ा उपकार हर सागर महासागर नहीं होता, हर बर्तन गागर नहीं होता, यूं तो दुनिया में कई संत हैं, लेकिन हर संत गुप्ती सागर च नहीं होता। अरे मुझे रास आ गया है तेरे दरबार में आकर, किसी की कौन सुनता है, और मूरत देख कर दीवाना झूम उठता है। देखिए अगर ये कव्वाली का पैटर्न है तो कव्वाली की स्टाइल से बोलना, बैठना पड़ेगा, बैठो मत लेकिन ताली तो बजाएगा। अंदाज तो बयां करना पड़ेगा। हाँ अरे मुझे रास आ गया है, नीचे नीचे, अरे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास तेरे दर पे सर झुकाना, अरे मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर, तालियां तालियां। परवाह नहीं है मुझको बदले चाहे जमाना, परवाह परवाह नहीं है मुझको बदले चाहे जमाना, परवाह
लेकिन अरे मेरी जिंदगी के मालिक, अरे मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रास आ गया है, आ गया मुझे रास आ गया है तेरे दर में सर झुकाना। अच्छे से ये सर वो सर नहीं है चाहे जिस जगह झुका दो, ये सर गुरुदेव ये सर वो सर नहीं है चाहे जिस जगह झुका दो, ये सर वो सर नहीं है चाहे जिस जगह झुका दो। अब झुका दिया है दर पर झुका दो, अब झुका दिया है दर पर आता नहीं उठाना, आता नहीं उठाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया दम तेरे में निकले, मेरी आर जो यही है तेरे दम से निकले। ओ मेरी जिंदगी के मालिक, अरे मेरी जिंदगी के मालिक, अरे नहीं कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक जब तक मैं बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक मैं बिका न था तो कोई पूछता न था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अरे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। साथ में हम सात माह में मिल गया, राणा प्रताप बाग का पुण्य बड़ा गाढ़ा है। सात माह में मिल गया, अरे पारस का यहाँ ठिकाना। मुझे रास आ, प्यारी प्रतिमा लगती है बड़ी न्यारी, बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेश विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर्ण श्री गुप्ति सागर जी महाराज की। Oh,
काशी के वासी का प्यारा नाम है, और लीजिए जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो सुंदर सी नाटी का जो प्रसंग आज है। आज हमने भगवान पार्श्वनाथ जी का निर्वाण लाडू चढ़ाया, उसी प्रसंग पर आधारित एक बार पूरी चेतना से जयकारा बोलिए, विग्रहण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और लीजिए परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी मुनि महाराज की आचार्य श्री के चरणों में वंदन नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। पूज्य दीदी के चरणों में, दोनों दीदी के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। दोनों दीदी का भी हमें अगर पूर्ण लाभ सानिध्य मिले तो हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे। दोनों दीदी से निवेदन है कि अवश्य इस कार्यक्रम को देखें, आप अपना निर्देशन सानिध्य प्रदान करें। और लीजिए मंगल में मंगलाचरण, उसके पहले नृत्य में मंगलाचरण इस नाटिका का आगाज कर रहे हैं। एक बार हम जोरदार तालियां बजाएं, एक छोटा सा नृत्य भाव भरा नृत्य लेकर आ रही है प्यारी सी बेबी, प्यारी सी बालिका, प्यारी सी बिटिया, जो यहाँ पर सुंदर सा नृत्य यहाँ पर करेगी। आप लोगों का हौसला अफजाई चाहिए, बस थोड़ी सी तालियां चाहिए, आप जोरदार तालियां। अगर पहले ताली बजाएंगे तो नृत्य करने वालों को और उत्साह होगा, और फिर बाद में ज्यादा बजाएंगे
तो नाटी का वाले को अच्छा होगा। आइए दोनों ही समय आपकी हौसला अफजाई होना चाहिए। नाटिका का मंगलमय नृत्यमय मंगलाचरण। मंगलमय उत्सव पर पूज्य राज संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सत्संग सानिधि में आज निर्वाण लाडू का आयोजन हुआ और इससे तीन चार परिवेश आज हुए। सुबह हमने पूजन करी, लाडू चढ़ाया, दोपहर में चार बजे से भक्तावर की आराधना करी, उसके बाद हमने सबने मिलकर गुरु वंदना करी, गुरु आरती करी और अब लीची भगवान की आरती करी। अब छोटी सी नाटिका, दोनों दीदियां पधार चुकी हैं, एक बार हम जोरदार ताली बजाए अनुमोदना करें, तालियां बजाकर आज के इस मंगलमय अवसर पर उनका हमें निर्देशन मिलेगा और नृत्य में मंगलाचरण प्रारंभ। तालिया तालिया Thank you.
तालियां तालियां। अदित आप आपके आपके परिवार के लोग ही यहाँ पर कर रहे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएगा, अनुमोदन ना करें। भगवान की आवाज नहीं आई, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, एक बार और चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सीन, भगवान पारसनाथ अपनी ध्यान में लीन है कि उसी वक्त वहां से गुजरता हुआ कमठ आ जाता है। चलते चलते वो भगवान पारसनाथ को देख के चौंक जाता है और कहता है, अरे पारसनाथ ये यहाँ क्या कर रहा है? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसका वध करते रहूंगा। तभी वो उन पे प्रहारों की वर्षा कर देता है। के किसी भी प्रहार का असर भगवान पारसनाथ पर नहीं पड़ता और दूसरी ओर स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण करे हुए रानी पद्मावती और धनेंद्र, उनका सिंहासन हिलने लगता है, बिजलियां कड़कने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और तभी देवी पद्मावती धनेंद्र से कहती हैं, हे स्वामी ये किस प्रकार की अनुभूति हो रही है? अचानक बिजली कड़क रही है, बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है स्वामी, ये क्या हो रहा है? हे पद्मा, ये पृथ्वी लोक पर कमठ पारसनाथ स्वामी का उपसर्ग कर रहा है, इसी कारण वो उनपे व्यर्थ ही कष्ट कर रहा है और उनके प्राण संकट में हैं। स्वामी ये पारसनाथ स्वामी कौन है और उनके प्राण संकट में कैसे पड़ गए? पद्मा शायद तुम भूल गई हो कि कई वर्ष पहले एक ऋषि के द्वारा हमें श्राप दिए जाने पर सर्प योनि में जाने का श्राप मिला था और उनसे विनती करने पर यह वरदान भी मिला था कि पारसनाथ स्वामी के हाथों ही हमारा उद्धार होगा और सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। स्वामी जब ये शत्रुता कमठ और पारसनाथ के बीच है तो इसका असर हमारी निकाय पर क्यों पड़ रहा है? पद्मा शायद तुम भूल गई हो, उस वक्त जब हम सर्प योनि में थे तो जंगल से भटकते भटकते हम एक पेड़ की छाल के लकड़ी के टुकड़े में जाकर छिप गए थे और उसी समय कमठ वहां बैठा हुआ हवन कर रहा था। स्वाहा। स्वामी उसके आगे बताएं क्या हुआ था? कमठ वहां पर हवन कर रहा था, आग जल रही थी हवन कुंड में, भीषण आग जल रही थी हवन कुंड में और कमठ कह रहा था, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और तभी अचानक उसने उस लकड़ी को देखा जिसमें हम सर्प बने हुए छिपे हुए थे, उसने उस लकड़ी को उठाया और हवन कुंड में झोंक दिया। हवन कुंड में जाते ही उसकी भीषण आग से हम लोग तड़पने लगे,
हम लोग भीषण आग से तड़पने लगे कि उसी क्षण जंगल से आते हुए राजा पार्श्वनाथ ने ये देखा, देखते हुए चौंक गए। प्रभु पार्श कुमार आए, देखो जंगल में, और उस लकड़ी को देखकर चौंक गए। देखो इस जंगल में, ये देखते ही राजा पार्श्वनाथ ने कहा, हे तपस्वी, ये तुम क्या कर रहे हो? इस लकड़ी में जीव है, इन्हें तुम क्यों जला रहे हो? ये जीव हत्या है, हिंसा है, कृपा करके इसे ना करें। इतना कहकर राजा पार्श्वनाथ ने उस लकड़ी को आग से उठाया, उसे चीर कर सर्प को बाहर निकाल कर उनकी आग बुझाई तथा उनका स्पर्श कर कर नमोकार मंत्र पढ़ नमो हरि नमो धारम नमो कमट नहीं माने रे नहीं माने कि पतक नहीं कर रहा उस लकड़ी को चीर दिया हे स्वामी इस उपकार के बदले हमें अवश्य उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो पद्मा, मैं तुरंत ही पृथ्वी लोक जाता हूँ और कमट से पार्श्वनाथ स्वामी की रक्षा करता हूँ। कुमार चल दिए हैं पृथ्वी लोक पर। कमट पार्श्वनाथ भगवान पर प्रहारों की वर्षा कर रहा था, वो बार बार उनका प्रहार कर रहा था। ओहो बदला 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 ही धनेंद्र वहां पहुंचे, उन्होंने कमट के प्रहार को रोक दिया। इस पर गुस्सा होते कमट ने बोला, कौन हो तुम और यहां हमारे बीच क्या कर रहे हो? इस पर धनेंद्र बोले, मैं नागलोक का धनेंद्र हूं। कुछ वर्षों पहले तेरे ही हाथों हमारी हत्या हुई थी, तो उस वक्त पार्श्वनाथ स्वामी ने ही हमें तुझसे बचाया था। कमट बोला, मैं कैसे भूल सकता हूं कि कमट के शरीर में पार्श्वनाथ ने मेरा घोर अपमान किया था, और तुझे क्या लगता है मूर्ख कि तू आकर पार्श्वनाथ को मुझसे बचा लेगा? जैसे हर जन्म में मैं पार्श्वनाथ का वध करता आया हूं, तो इस जन्म में भी मैं उनका वध करके रहूंगा, और अब से तू भी मेरा शत्रु है, तो आ। हर जन्म में बदला लूंगा, हर जन्म में आऊंगा और देखता हूं कौन बचाता है तुझको। चलता रहता है। ये देखकर देवी पद्मावती भी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ जाती हैं। Thank you.
ऊपर कमट प्रहार की वर्षा करता ही रहता है उसके, लेकिन और रानी पद्मावती को उनकी सहायता देख कमर चौक जाता है और इस पर धनेन्द्र बोलते हैं, कमट अब तो समझ जा तू कितना शत्रुता की आग में जलता रहेगा, तुझे ये देव योनि बड़ी मुश्किलों से प्राप्त हुई है, इसे ऐसे व्यर्थ ना कर, कृपा करके अपने प्रहार बंद कर दे। अब तो देख खुद भगवान शेषनाग पार्श्वनाथ स्वामी की सहायता हेतु उपस्थित हैं, अब तो रुक जा तू और अपने निकाय वापस लौट जा, रुक जा तू। ये देखकर कमट को अपनी भूल का एहसास होता है, वो पार्श्वनाथ स्वामी से क्षमा मांगता है। भूल हुई हमसे कितने पाप किए लेकिन प्रभु जरा भी दिख नहीं पाए, हम पश्चाताप नमस्कार है नमस्कार है हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे इतने प्रहार करने के बाद भी आपने मुझसे कुछ ना कहा, कृपा करके मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। तो भगवान पार्श्वनाथ कहते हैं, कमट मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, कृपा करके अपने निकाय वापस लौट जाओ। इतना कहकर कमट कहता है, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, हो, धन्य हो। इतना कहकर कमट धनेन्द्र से भी क्षमा मांगता है, हे धनेन्द्र मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और धनेन्द्र, कमट आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, आपको ये शोभा नहीं देता, हम दोनों अपने अपने निकाय के सम्राट हैं, कृपा करके आप अपने निकाय वापस लौट जाएं। तो देखिए प्रभु की लीला अपरंपार है, कमट के प्रहार करने पर भी उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और अपने निकाय वापस लौट जाने का कहा। भगवान पार्श्वनाथ भगवान धन्य हैं, धन्य हैं। तो बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संकट मोचन पार्श्वनाथ प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की जय। Thank you.
Thank you.
बाजी रे सब शिखर पे आज बिछा।